सब्सक्राइब करें एवरीथिंग इजी चैनल को और बेल का आइकन दबाइए हमारा नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एवरीथिंग इजी चैनल में सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज दोबारा आप लोगों की खिदमत में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो। दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अहम है। जो लोग गैर कानूनी सऊदी में रह रहे हैं, जिसने वापिदीन सेंटर से या जवाजात से अपना खुरूज निहाई लगाया है, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए, मेरा सब्सक्राइब मेरा दोस्त है उसके लिए है। दोस्तों मुझे बहुत कार आते हैं, आप लोग खुद भी सर्च करते हो कि जिसका खुरूज निहाई लगे वापिदीन से, हम तो गैर कानूनी हैं, हम अगर ट्रेड मिनिस्ट्री में चेक तो दोस्तों उसमें ये नहीं आते क्योंकि हम गैर कानूनी हैं, हमारा रूप हुआ है, तो इसलिए वो चेक नहीं हो सकता। न उधर शो होता है, उधर आ जाए चाहता है कि वीज़ा सही नहीं वैलिड वीज़ा है। तो दोस्तों एक मसला चल रहा था ये खुरूज निहाई का, जो आपको खुरूज निहाई लगा हुआ वापिदीन सेंटर से, इसको कैसे हम चेक करें, इसमें कितने दिन है, हमने कितने दिन में निकलना है। वो जो आजाद से तो वो लोग बताते हैं कि 15-20 दिन 25 दिन, जिससे मैंने आज पहले भी एक वीडियो बनाई, आप लोगों ने किसी ने देखे होगे तो, अगर नहीं देखे तो मैं नीचे वीडियो मेरे चैनल में आके आप लोग देख सकते हो। ये अगर आप लोग देख सकते ये वीडियो है मेरा, ये जो खुरूज निहाई वाला, ये जो मैंने इसको टाइटल दिया है, आप लोग इसको भी देख सकते हो, इसमें मैंने बताया है। लेकिन आज मैं दोस्तों इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा, एक साइड है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री में है, आप लोग दोस्तों उधर से अपना खुरूज निहाई, अपना काम नंबर दे के, अपना काम का एक्सपायरी और अपना स्पोंसर आईडी दे के आप लोग अपना खुरूज निहाई चेक कर सकते हो, और उसका टाइम भी आप लोग चेक कर सकते हो कि कितने महीने का टाइम है और हम कितने टाइम तक में हमने सऊदी छोड़ के जाना है, इधर से निकलना है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, जिधर हम जो अपने काम का अपने मुसस्से का ग्रीन येलो वाले चेक करते हैं, उधर हमारा एक मालूमात आ जाता है कि आप काम से भागे हो या काम पे हो या आप हरूब है, उधर पे हमारा दोस्तों हरूज निहाई भी चेक किया जाता है, जैसे मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ, आप लोग देखे, क्योंकि आप लोगों के बाद अगर आप लोग उधर देखे हो सकते हैं आप लोग को फिर टेंशन बढ़ जाएगी, क्या ये क्या मसला है। मैं तो जवाजात में गया, वापिदीन में गया, उसने मेरा खुरूज निहाई लगाया, लेकिन अभी इधर फिर भी मैं मेरा जो है ना गैबुल अमल जिसको बोला जाता है या जिसका हरूप है वही सेम है। तो दोस्तों आप लोग उसका टेंशन नहीं, मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये मेरा एक दोस्त है, इसका लगा है खुरूज निहाई वापिदीन सेंटर से, लेकिन उसका मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ दोस्तों, फिर भी उसका वही मुतहबिल अमल आ रहा है, लेकिन मैं दूसरी जगह मैं उसका दिखाऊंगा उसका पैनल एग्जैक्ट लिखे आया है। तो दोस्तों इधर जैसे आप लोगों को पता है मकतबुल अमल की साइड पे चेक किया जाता है कि जिस आदमी का गुरूब हो या जिसका मुसस्सा रेड येलो या कोई और कलर का हो, तो दोस्तों इधर चेक किया जा आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये मेरा पाकिस्तानी दोस्त है, उसका मैंने अकामा नंबर भी दिया और उसका एजेंसी भी पाकिस्तानी वो भी दे दिया। अभी दोस्तों उसका नंबर, ये जो तस्वीर नंबर हम सेलेक्ट करके देखते हैं कि इसका खुरूज निहाई लगा या नहीं लगा, इधर क्या शो कर रहा है। तो अभी इसके बाद मैं आपके साथ बात करता हूँ। तो दोस्तों तस्वीर नंबर टाइप करने के बाद मैं बस पे क्लिक करता हूँ और चेक करते हैं आप लोगों के सामने कि इसका खुरूज निहाई इधर क्या आ रहा है, वही सेम रूप आ रहा है या खुरूज निहाई आ रहा है। दोस्तों ये साइड हमारा ओपन हो गया, मैं अभी नीचे चेक करता हूँ कि इसका क्या मसला है, इसका खुरूज निहाई लगा या नहीं इधर। तो दोस्तों इस भाई ने तकरीबन कुछ देर पहले इसका खुरूज निहाई लगा है वापिदीन सेंटर से, इसको नंबर भी मिला है, लेकिन दोस्तों जब मैंने मकतबुल अमल की साइट पे चेक किया तो इधर वही इसका मुसस्सा तो हाजिर है लेकिन मुतायब अमल इधर वही सेम है, इसका मुतायब अमल है, इधर खुरूज निहाई नहीं आ रहा है। दोस्तों इसका खुरूज निहाई जब आप लोगों का या इसका जिसका भी खुरूज निहाई जो नंबर मिला है वापिदीन सेंटर से जवाजात से, तो दोस्तों आप लोगों का खुरूज निहाई तब आएगा जब आप सऊदी से निकल के एयरपोर्ट से इधर से आपका खुरूज निहाई लगे ना, तो उस टाइम इधर खुरूज निहाई का ऑप्शन आएगा दोस्तों। और दूसरा जो हम इंटीरियर मिनिस्ट्री से चेक करते हैं, जिधर स्पॉन्सर आईडी या कामा नंबर वगैरह हम देते हैं, तो दोस्तों उधर भी आप लोगों को मैं क्लियर करता हूँ कि उधर भी आप लोगों का जो गैर कानूनी लोग है दोस्तों, उधर भी आप लोगों का चेक नहीं होगा। तो दोस्तों जो भी गैर कानूनी लोग है उसका इधर चेक नहीं होगा क्योंकि गैर कानूनी है, ये लीगल तरीके से जो चेक करते हैं, जो सऊदी में सही अकामी वगैरह से इधर रहते हैं, तो दोस्तों उसी का इधर शो होगा जब कामा नंबर स्पॉन्सर आई डी और ये मैच तस्वीर और नीचे आपके साथ पास वीजा नंबर हो या पासपोर्ट नंबर हो, तो अगर आप लोग इधर उसको इंटर करोगे तो फिर भी आप लोगों के साथ कुछ नहीं आएगा, आप लोगों को शो नहीं होगा आपको खुरूज निहाई लगा या नहीं लगा। इधर आपके पास मुमकिन ऑप्शन आएगा कि इसमें या अकामा नंबर ठीक नहीं है, स्पॉन्सर आईडी ठीक नहीं है या वीजा नंबर ठीक नहीं है। तो मैं दोस्तों इधर आप दोस्त का अकामा नंबर मैं इंटर करता हूँ।
दोस्तों मैंने इसका स्पॉन्सर आईडी भी एंटर किया, फिर उसके बाद मैच का तस्वीर, और इधर इसका वेजा नंबर है, वेजा नंबर, इसके वेजा नंबर भी मैं इधर टाइप करता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी व्यू पे क्लिक करता हूँ ताकि हम चेक करें कि हमारा खुरूज नहाई लगा या नहीं है। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हो इंटर वैलिड आईडी, आप लोग कोई बोल रहे हैं कि आप जो है ना सही आईडी इधर इंटर करें, उसके बाद आप लोग अपना खुरूज नहाई चेक करें। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये सब तो आखिर में हटा सकते, इसका स्पॉन्सर आईडी इसी दोस्त का, यही स्पॉन्सर आईडी आप लोग को मैं अभी दूसरे साइड पे दिखा रहा हूँ पैनल एग्जिट में। तो चलो दोस्तों मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि आप लोग पैनल एग्जिट कैसे चेक कर सकते हो, जो जो गैर कानूनी लोग है जिसका वो अभी दिन से खुरूज नहीं लगाए या जब आज़ाद से लगाए, जो वीजे बिजनेस का काम एक्सपायर है, जिसका काम बना नहीं, या जो जिसके पीछे हरूब है, जो विजिटर वीजे वाला या उम्रे वाला, उसका मुझे पता नहीं है। तो दोस्तों ऐसा आप लोग मोबाइल हो या लैपटॉप हो, उसमें आप लोगों को पता है इंटीरियर मिनिस्ट्री ओपन करना है आप लोगों ने, कैसे वाला। तो सो इंटीरियर मिनिस्ट्री ओपन होने के बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है, और ये पासपोर्ट वाला आप लोगों के साथ ऑप्शन आ जाएगा पासपोर्ट वाला, फिर मोर, और मोर के बाद दोस्तों आप लोगों ने नीचे आना है, आप लोग मोबाइल हो या लैपटॉप हो जो भी आप लोगों के साथ हो। तो आप लोगों ने दोस्तों इधर नीचे से तीसरे नंबर पे लिखा होगा पब्लिक क्वेरी ऑफ वर्कर रेवल, आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है दोस्तों। नीचे से क्वेरी रेवल लेबर, फिर उसके बाद क्वेरी काम एक्सपायरी, तीसरे नंबर पे, नीचे से तीसरे नंबर पे पब्लिक क्वेरी ऑफ वर्कर रेवल, ये इंटीरियर मिनिस्ट्री में दोस्तों आप लोग, मैं थोड़ा सा क्लियर कराऊँ, इंटीरियर मिनिस्ट्री में आप लोगों आना है, फिर उसके बाद पासपोर्ट, और पासपोर्ट उधर होगा मोर, आप लोगों ने मोर के ऊपर क्लिक करना है और सबसे नीचे आ जाना है क्वेरी न्यू रेवल लेबर, फिर उसके बाद क्वेरी एक्सपायर सर्विस कामे का, और सबसे नीचे तीसरे नंबर पे जो है पब्लिक क्वेरी ऑफ वर्कर अरेवल, आप लोगों ने इस पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये सही ओपन हो जाएगा, ये आपसे तीन ऑप्शन मांगेगा, एक स्पॉन्सर आईडी, दूसरा कामा नंबर, और तीसरा एकामा एक्सपायरी डेट। तो दोस्तों हम वापस वो एग्जिट एंट्री वाला पेज पे आ जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं इधर मैंने जो यही जो जो दोस्तों आप लोग देखते हैं, मैंने ये स्पॉन्सर आईडी लिखा था, मैं इसको इधर से कॉपी करता हूँ, ये हो गए काफी, लेके आता हूँ इसको इधर पेस्ट करता हूँ आप लोगों के सामने, भी सेम से मैंने उधर से लाया इधर पेस्ट किया। उसके बाद दोस्तों ये है अकामा नंबर, इस भाई का अकामा नंबर भी इधर से कॉपी करके इधर मैं पेस्ट करता हूँ आप लोगों के सामने। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने तारीख जो है ना इधर एंटर करना है, सबसे पहले ईयर 1437 इस भाई का, फिर उसके बाद स्लैश, स्लैश के बाद महीना, महीने के बाद फिर स्लैश और फिर दिन, आप लोग इधर से भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इधर तकरीबन आप लोगों के साथ 1438 के बाद आएगा, इसके पीछे नहीं आएगा। तो आप लोगों ने हाथ से लिख देना है ऐसा, सबसे पहले आप लोगों ने ईयर लिख देना है, फिर उसके बाद महीना, महीने के बाद वो दिन जिस पे आप लोग का काम एक्सपायर हो रहा है या नया बना है उस दिन। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने फिर इस इमेज वाला आप लोगों ने जो जो नंबर है इधर टाइप करना है 87 आखिर में, फिर उसके बाद दोस्तों व्यू पे क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं इससे पहले बता दूं कि ये आदमी जो है ना उसका खुरूज नहाई लगा है, लेकिन ये इसका हरूब हुआ था, इधर मैंने आप लोगों के सामने चेक किया इधर हरूब है, इधर इसने बोला अकामा जो स्पॉन्सर आईडी गलत है, और इधर दोस्तों आप लोग अभी मैं ये नंबर टाइप करके 2487 मैंने इसको टाइप किया, और उसके बाद मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ सेम सेम आप लोगों के सामने। तो अभी इसका रिकॉर्ड पूरा ओपन हो जाएगा कि इसका खुरूज नहाई लगा या नहीं। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हो इस भाई का नाम, इसका वीजा नंबर, इसका जो एग्जिट बिफोर 7/7/2017 इसको 2 महीने मिले हैं, 7 महीने 7 तारीख से पहले पहले इसने खुरूज नहाई, जो जिसको खुरूज नहाई लगा इसने सऊदी छोड़ के जाना है, वीजा ड्यूरेशन 0 डे फ्रॉम डिपोजिट, यानी इसका तो खुरूज नहीं लगा है इसलिए ये नहीं आ रहा है, और वीजा टाइप आप लोग देख सकते हो पैनल। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इसको लिखकर पैनल, और इसका जो लास्ट आखिर दफा जो जिस रिपोर्ट से इसका एंट्री हुआ वो भी है, और लास्ट टाइम में जो ये सऊदी से सऊदी में एंटर हुआ उसका डेट भी है। तो दोस्तों यही सेम सेम ये वही बाई है, तो दोस्तों वही सेम सेम वीजा नंबर है आप लोग सामने मैंने इधर दिया, ये आप लोग देख सकते हो इधर मैंने इसका काम नंबर दिया, लेकिन मुतआमिल अमल क्योंकि इसका खुरूज हरूफ हुआ था, और फिर उसने खुरूज नहाई लगाया, इसने तो अलबत्त 700 रियाल दिया, इसको तो ने गलत किया था, खुद नहीं किया था, लेकिन आप लोगों ने अगर आपका खुरूज नहाई लगे तो आप वापी दिन में जो आप खैर खरी हैं, जिसका काम एक्सपायर हो, जिसका काम नहीं बना हो, या जिसका हरूफ हो,
तो आप लोग इधर से अपना खुरूज नहाई चेक कर सकते हैं दोस्तों। आप लोगों सामने मैंने चेक किया मकतबलावल में, ये मुताबल है नेहरू पे। फिर उसके बाद दोस्तों के सेम सेम स्पॉन्सर आईडी आप लोगों सामने मैंने कॉपी कर दी इधर। वो इधर जो है ना वो बोलता है कि स्पॉन्सर आईडी गलत है, इसका वीज़ा नंबर सब कुछ मैंने दिया। लेकिन जब मैंने न्यू अरेवल में आया, पब्लिक क्वेरी ऑफ न्यू अरेवल में आया, तो इधर इसने इसका पूरा रिकॉर्ड बनाया बताया और इसका खुरूज नहाई जो पैनल लिखा है और इसका डेट भी लिखे 7/7/2017 से पहले इसने सऊदी से जाना है, 2 महीने तकरीबन इसको खुरूज नहाई में मिले थे। तो दोस्तों इसका बहुत लोग मुझे फोन करता था, बहुत लोग पूछते थे, आप उसको भी सर्च करते थे और इसका जरूरत भी था क्योंकि दिल आदमी के दिल में शक होता है, किसी के साथ टिकट नहीं होता है तो उसने 2 महीने काम करना है। उसको जो आजाद वाला बोलता है कि वो तो उसका तो काम यही है कि 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन आप लोग टिकट लेके चले जाए, डराते थे ना। तो अभी अगर आप लोगों के साथ और काम है, टिकट नहीं है और काम करना चाहते हो तो आप लोग 2 महीने और काम कर सकते हो आराम से, लेकिन आप जो है ना कानून ख़त्म होने से पहले पहले जाइए क्योंकि हो सकता है बाद में आप लोग कोई मुश्किल हो। लेकिन उम्मीद है कि और टाइम भी देगा, 1-2 महीने इंशाल्लाह और भी मिलेगा। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन था, अभी इसके ऊपर और लोग वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को मिलेगा इसका थोड़ा सा और अच्छे और अंदाज में, इसके साथ कोई डेकोरेशन डेकोरेशन वीडियो में कोई एडिट वेडिंग करा के आप लोगों को वीडियो बना देगा, लेकिन 1-2 दिन लगेगा इसमें इंशाल्लाह। तो दोस्तों आप लोग ऐसे नए नए अपडेट और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, इससे मेरा कोशिश है कि आप लोगों को ये और अपडेट दूँ, आप लोगों को एक ऐसी वीडियो बनाओ जिससे आप लोगों को फायदा हो, जिससे आप लोगों का कोई पैसे खर्च ना हो। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो जो है ना तो पसंद आएगी इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोग इसके लिए बहुत आप लोगों ने बहुत कोशिश की, आप लोगों ने बहुत पूछे थे, सवाल भी किए थे, मुझे फोन भी आए थे, आप लोग खुद भी सर्च कर रहे थे। हो सकता है दोस्तों इसको चेक करने के लिए फाइनल एग्जिट को आप लोगों जो फाइनल एग्जिट इसको चेक करने के लिए आप लोगों ने किसी को पैसे भी दिए होंगे, लेकिन अभी नहीं दिए। आप लोग सैंपल अपना मोबाइल में इंटीरियर मिनिस्टर ओपन करके पासपोर्ट से नीचे तीसरे नंबर पे आ जाए, मोर पे क्लिक करें, फिर नीचे सबसे नीचे से तीसरे नंबर पे पब्लिक क्वेरी वर्कर अरेवल उस पर क्लिक करके उधर अपना कामा नंबर, अपील का स्पॉन्सर आईडी और अपना डेट ऑफ जो काम आपका एक्सपायर हो रहा है वो इंटर करा के फिर मैच बाद में व्यू, तो आप लोगों के साथ पैनल एग्जिट आएगा। दोस्तों आप लोग डरे नहीं, जिसका अगर आप लोग दोबारा पैनल एग्जिट लगाने के बाद दोबारा अगर आप लोग चेक करो अपने उसको क्या बोलते हैं ये जो है ना मकतबल अमल वाला साइड, इधर आप लोग का खुरूज नहाई नहीं आएगा। जब तक आप सऊदी नहीं छोड़ोगे इधर खुरूज नहाई नहीं आएगा। और दूसरा जो हम दूसरी जगह छुट्टी चेक करते हैं, खुरूज एग्जिट करते हैं, इधर भी ये दोस्तों आप लोगों का कुछ नहीं आएगा क्योंकि गैर कानूनी आदमी का नहीं आएगा। सिर्फ एक ही जगह है जो मैंने आप लोगों को बताया, इधर आप लोग अपना पैनल एग्जिट चेक कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को जरूरी जरूरी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और मेरे चैनल को भी जरूरी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूरी करें। तो दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम अलैकुम।